हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे ब्रीफ में इन्वर्टर के बारे में, बैटरी के बारे में। इन्वर्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, बैटरी हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग विथ डायग्राम के ब्रीफली समझेंगे। ठीक है, और इसके साथ जो हम समझने वाले हैं आज, यूपीएस क्या होता है, यूपीएस की सप्लाई किसमें आती है, सीपीयू में। सीपीयू से फिर कहाँ चली जाती है, मॉनिटर में, है ना। और सीपीयू से क्या कनेक्ट होता है, कीबोर्ड माउस कनेक्ट होता है, सीपीयू से स्पीकर कनेक्ट होता है, और सीपीयू से प्रिंटर कनेक्ट होता है ना। तो ये देखिए डैश बना हुआ है यूपीएस से, और सीपीयू से मॉनिटर। इसके बारे में आज हम लोग डीप से, ठीक है। आज हम जानेंगे कंप्यूटर की मेन सप्लाई, इन्वर्टर, बैटरी, यूपीएस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, एम्पलीफायर और प्रिंटर के बारे में, जैसा कि हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑफिस में जैसे ही इंटर करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा लेफ्ट साइड में इन्वर्टर रखा हुआ है, उसी के जस्ट नीचे साइड में एक बैटरी रखी हुई है। मोस्टली लोगों ने इन्वर्टर देखा होगा और बैटरी भी देखा होगा। तो वॉइस होते हैं मोस्टली उन लोगों को पता होता है, गर्ल्स को थोड़ा सा इस सेक्टर में कमी नॉलेज होती है। तो आज हम लोग जानते हैं कि इन्वर्टर बेसिकली होता क्या है और ये किस काम आता है, कैसे यूज करता है। तो इन्वर्टर एक्चुअली क्या होता है कि सप्लाई लेता है, जैसे आपका घर पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, उससे बल्ब चलते हैं, फैन चलता है, वैसे इन्वर्टर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। बेसिकली ये क्या काम करता है, एसी सप्लाई लेता है। एसी और डीसी टू टाइप्स की सप्लाई होती है। एसी सप्लाई जो डायरेक्ट घरों में आती है और डीसी सप्लाई जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एसी सप्लाई जो होती है वो होती है जो कि हमारे घरों तक आती है। डीसी सप्लाई वो होती है बेसिकली जो बैटरी से निकलती है। तो अब ये इन्वर्टर की आवश्यकता हम लोगों को कहाँ पड़ती है और बैटरी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक से बिजली कभी भी चलाई चली जाती है, जैसे कि वो बिजली हमें कभी बता के तो जाती नहीं, या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले या बीबी वाले हमें बताते तो है नहीं कि इस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी जाने वाली है। तो जनरली हम लोग एक बैकअप रखते हैं कि इन केस अगर लाइट हमारी चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो उस समय हमारा काम जो है वो रुके ना, कोई भी काम हमारा हैम्पर ना हो, रुके ना, और इस बीच में किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए इन्वर्टर और बैटरी अक्सर घरों में लगाते हैं। इन्वर्टर है ये काम करता है एसी सप्लाई लेना और इसको डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को देना। अभी बैटरी को क्यों देता है, ताकि बैटरी जो है हमारी वो चार्ज हो जाए। अभी जब बैटरी चार्ज हो जाएगी और इन केस अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, उस कंडीशन में बैटरी के जो डीसी पावर है वो फिर से इन्वर्टर में आता है और फिर डीसी टू एसी में कन्वर्ट होके फिर से सारे इक्विपमेंट को एसी सप्लाई मिलने लगती है। अच्छा, गौर से जब हम देखेंगे इन्वर्टर को तो एक चीज हमें समझ में आएगी कि जब इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है, मतलब जैसे लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं बिजली गोल हो जाती है, चली जाती है, तो उस समय बिना किसी सिस्टम को हैम्पर मतलब बंद किए हुए इन्वर्टर तुरंत पावर सप्लाई कर देता है रिटर्न, ताकि कोई भी, सपोज अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है ना, या कोई भी सिस्टम चल रहा है, या मोबाइल चार्ज वगैरह हो रहा है, तो ये बंद नहीं होता। ये इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। इन्वर्टर बेसिकली करता क्या है, इसका हम एक वीडियो और सेपरेट सारी चीजों का अलग अलग बना देंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इसको समझते चलते हैं। इन्वर्टर बेसिकली का कॉन्सेप्ट ये है कि वो एसी सप्लाई लेता है, डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को देता है ताकि बैटरी चार्ज हो जाए, और आफ्टर दैट इन केस इलेक्ट्रिसिटी विल बी
ऑफ देन ही इज कंडक्ट द ऑटोमेटिकली डीसी करंट इन एसी करंट, एसी सप्लाई में कन्वर्ट करके फिर वो सारे सिस्टम्स को देने लगता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर आप लोगों को दिख पा रहा हो तो ये बैटरी के इन्वर्टर में ये रेड कलर, रेड मतलब हो गया प्लस फेज जिसको बोलते हैं, और ब्लैक हो गया न्यूट्रल, कनेक्शन आया और ये बैटरी में आया। मतलब ये इसको अगर ब्लैक को बैटरी में देखेंगे डीसी करंट में तो माइनस, और रेड को बोला जाता है प्लस। ये कनेक्शन इन्वर्टर में आया और यहाँ से यहाँ आ गया, फिर ये कनेक्शन फिर से चला गया कहाँ पे, बोर्ड में। जैसा कि अगर आप इमेजिनेशन करें या सोच के देखें, ये इन्वर्टर और बैटरी बैंक कहाँ पे लगा, ऑफिस में लेफ्ट साइड में, और फिर इसका कनेक्शन कहाँ पे किया है, इस बोर्ड में, और इस बोर्ड से कौन कनेक्ट है, यूपीएस, है ना। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इस बोर्ड से क्या कनेक्ट है, यूपीएस कनेक्ट है। इस यूपीएस का कनेक्शन जो है वो सीपीयू में जाता है, और सीपीयू का जो कनेक्शन है बीजीए केबल के थ्रू किससे है, मॉनिटर से है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट है ये फर्स्ट, ठीक है, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो जैसे हम इस प्लग को यहाँ पे लगाते हैं बोर्ड में और ये स्विच को ऑन करते हैं, तो यूपीएस का इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट है वो यूपीएस में आ जाता है। जब हम 2 से 3 सेकंड के लिए यूपीएस की बटन को दबा के रखते हैं तो यूपीएस का करंट कहाँ चला जाता है, सीपीयू में चला जाता है। सीपीयू में करंट जाने के बाद सीपीयू में करंट कहाँ जाता है, एसएमपीएस, वो भी हम आपको डेप्थ में समझाएंगे। एसएमपीएस में जब जाता है सीपीयू में, तो जब हम ये जो बड़ी सी बटन होती है और एक छोटी सी बटन होती है, और ये जो दिख रही है, अगर हम आपको इसको जूम करके दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके आपको थोड़ा, देखिए ये जो बड़ी बटन है ये स्टार्ट की बटन है सीपीयू को स्टार्ट करने के लिए, और ये होती है रीस्टार्ट की, जस्ट लाइक योर मोबाइल। जैसे मोबाइल में होती है ना, जैसे आप पावर के बटन को प्रेस करके रखते हैं उसमें रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है और शटडाउन का ऑप्शन आता है, तो ये है रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट क्यों करते हैं, इन केस अगर हमारा मोबाइल हैंग होने लगता है या कोई चीज़ की प्रॉब्लम करता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, रीस्टार्ट की करते हैं, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बंद होता है फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। ये होती है सीपीयू को ऑन करने की प्रोसेस, बिजली वाली बटन होती है। इसको सिंगल टाइम बहुत ही स्मूथली बड़े प्यार से प्रेस करना है। काफी बच्चे क्या काम करते हैं, इतनी जोर से दबाते हैं जैसे कि सीपीयू उनका दुश्मन है। अरे भाई, जस्ट लाइक ही इज आवर फ्रेंड, है ना, वो हमारा दोस्त है। जितने स्मूथली हम उसे चलाएंगे इतना ही वो हमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक दो केबल्स होती है, सॉरी पॉइंट्स होते हैं। एक होता है हेडफोन लगाने के लिए, जस्ट लाइक हेडफोन इन ईयरफोन, है ना। हेडफोन और ईयरफोन में भी डिफरेंस है। अब हेडफोन क्या होता है, वो आपने अगर देखा होगा कि एक चौड़ा सा ऊपर से लगा होता है वो कहलाता है हेडफोन, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने लगाया हुआ है वायर के साथ, ये कहलाता है ईयरफोन। क्यों, क्योंकि ये ईयर में लगा, ईयर मीन्स कान, और हेडफोन मीन्स जो हेड के ऊपर से आता है, ठीक है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग इन बिटवीन हेडफोन एंड ईयरफोन, ओके, गॉट इट। एंड सेकेंडरी थिंग इज दैट इज कॉल्ड यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस, ओके। एंड अभी तो ये काफ़ी कुछ सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता, पहले ये चीज़ बहुत मिलती थी। यहाँ पे होता है सी डी ड्राइवर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना सी डी डी वी डी मूवी देखने के नाम आती है, वही यहाँ डाल के भी डाटा हम लोग संक्रमण कर लेते हैं। ये आगे के सिलेबस में हम लोग समझेंगे, अभी मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट है आप बंद करना, अच्छे से सिखाना, क्योंकि काफ़ी शायद हो सकता है चल जाते हैं क्लास में उस समय। फिर ये है आपका मॉनिटर। मॉनिटर में दो केबल होती है, एक डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है, उसका नाम होता है वीजीए, वीडियो ग्राफिक एक्सेस, है ना, जो क्या करती है वीडियो और ग्राफिक्स को एक्सेस करती है सीपीयू से, जो भी चलता है उसको ये मॉनिटर पे के द्वारा दिखाया जाता है। ये इस प्रकार से आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। क्या मॉनिटर, डिस्प्ले, एलईडी, एलसीडी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं,
आगे आप जब चलेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि मॉनिटर क्या होता है, सीआरटी क्या होती है, एलईडी क्या होती है, एलसीडी क्या होती है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन एलईडी, एलसीडी, मॉनिटर, सीआरटी, सो मेनी थिंग्स इन बिटवीन इन आईटी एंड कंप्यूटर सेक्टर. जितना आप लोगों को समझ में आता जाएगा और आप लोग इंटरेस्ट लेंगे आपको बता दूँगा. और ये होता है पावर केबल. पावर केबल देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें दो केबल होती है, एक सीपीयू से कनेक्ट होती है जो इसके सिग्नल को यहाँ से यहाँ लेके जाती है, वीडियो फोन में, ऑडियो फोन में, सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करने के लिए. और एक होती है पावर केबल जो यहाँ से डायरेक्ट यूपीएस से कनेक्ट, क्यों, क्योंकि यूपीएस क्या करता है, सीपीयू को और मॉनिटर को पावर प्रदान करने का काम करता है. फिर आता है कीबोर्ड. कीबोर्ड बेसिकली आप जानते हैं कि इसमें बटन होते हैं जिसको आप लोग खटाखट 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 चलाते हैं ना, और हम बोलते हैं नहीं नहीं इतने प्यार भाई तो उसमें थोड़ी है कंप्यूटर से नीचे. कीबोर्ड, कीबोर्ड आप लोग जानते हैं कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी बटन होती है. पहले तो बहुत चलता था कि कीबोर्ड कितने बटन का होता है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ है नहीं, कम ज़्यादा होते रहती है. हाँ, बस बेसिकली टू थिंग्स, टू टाइप्स कीबोर्ड इन मार्केट अवेलेबल. फर्स्ट इज द नॉर्मली यू हैव आल्सो यूज एवरी डे इन ईच एंड मोमेंट. आप लोग जो डेली यूज करते हैं ये बेसिकली नॉर्मल कीबोर्ड है. और एक होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड. मल्टीमीडिया कीबोर्ड नाम से ही पता चला, मैंने आपको पहले भी बताया मल्टीमीडिया शब्दों को इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, लेकिन हम लोगों ने इसे बना रखा है इंग्लिश के वर्ड को तोड़ना है. मल्टी मीडिया, मल्टी मतलब मल्टीविटामिन कहते हैं, बहुत सारी, मल्टी मतलब बहुत सारी विटामिन, विटामिन की गोलियों से मिली हुई एक गोली बनती है, वैसे ही आप बता मल्टी मीडिया है ना, बहुत सारे मीडिया मतलब फंक्शंस को उस कीबोर्ड के अंदर डाला जाता है. क्या क्या, जैसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको पॉज करना है, आप उससे पॉज कर सकते हैं, साउंड बढ़ाना है, कम करना है, आगे बढ़ना है, स्टॉप करना है ना, गाने सुनना है, म्यूट करना है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी कीबोर्ड में होता है. अलग से आपको जैसे माउस की सहायता से डिस्प्ले में जाकर उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है. तो कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है. जाते हैं हम लोग माउस पे, माउस क्या होता है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है. इसमें दो बटन होते हैं, लेफ्ट टू राइट, और एक स्क्रॉल बटन होती है, गोल चक्री ना, इसको उसको घुमाने से जो चक्री जो होती है उसको स्क्रॉल करने से, घुमाने से पेज ऊपर नीचे चला जाता है ना. और लेफ्ट बटन राइट बटन के फंक्शन भी बहुत सारे हैं, वो हम आपको बनाएंगे. और माउस की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके जनक कौन थे, ये बहुत सारा डिटेल्स है, ये हम आगे की वीडियो में आपको बताते रहेंगे. अब आते हैं स्पीकर. स्पीकर तो बहुत ही आदान, बच्चे से पूछोगे तो बता देंगे. सुबह होते से यूट्यूब खुल जाता है हमारा, मूवियाँ चलने लगती, गाने बजने लगती, मम्मी बोलती है चेंज द टॉपिक, हम लोग टॉपिक पे आते हैं. फिर आता है स्पीकर मतलब नॉर्मली जिससे हम लोग साउंड सुनते हैं. और एक होता है माइक जिससे हम बोलते हैं और आवाज रिकॉर्ड होती है. माइक जस्ट लाइक हम लोग आरती करते हैं ना दुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव, वो होता है माइक. तो जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे दो पोर्ट होते हैं सीपीयू में, एक माइक का होता है और एक स्पीकर का होता है, चाहे आप हेडफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो. फिर एक होता है प्रिंटर. प्रिंटर की यहाँ बेसिकली आपको एक ही केबल दिखाई है, ये पावर केबल होती है. और दूसरी जो पावर केबल होती, जो एक केबल होती है वो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है. जो भी आप प्रिंट देते हैं वो डायरेक्ट इसमें आ जाता है, सीपीयू से कनेक्ट होता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं समझाने को, लेकिन अभी वीडियो बेसिकली हम उसको आगे और कोशिश करें. अभी तो थैंक्स कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और आगे हम लोग बहुत सारे वीडियो डालेंगे और कुछ क्वालिटी में भी हम लोग सुधार करेंगे. और हर टॉपिक पे डिस्क्राइब करके ऐसा ऐसा नॉलेज हम लोग डिस्कस करेंगे. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरे लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर मुझे तुम्हें पढ़ाना है तो पहले मुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें मेरा बेनिफिट ज़्यादा है तुमसे ज़्यादा. मेरा बेनिफिट ये है कि मुझे उसी बहाने नॉलेज हो जाएगा,
मंदिर में बैठे हुए हैं। तो आगे और वीडियो हम लोग बनाएंगे, तो अगर तुम्हें लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट्स करना हो तो करो, अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो इसमें भी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी बना दूँगा, वहाँ पे आप कर सकते हो और डाउनलोड करके रखो, इन केस जब आपके पास डेटा नहीं है या फ्री टाइम है और आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, कोई ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पे आप नहीं इंटरनेट सर्व नहीं कर पाते, कई गाँव की लोकेशन होती है, कई इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है, तो उस लोकेशन पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके लिए आप उसे डाउनलोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।